प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 1.5 साल की बच्ची पर कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने से उसे आइसोलेशन वार्ड में तत्काल शिफ्ट कर दिया गया है। बच्ची की रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी गई है। डॉक्टरों का कहना है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बच्ची का इलाज आइसोलेशन वार्ड में ही करा जाएगा, अगर बच्ची की रिपोर्ट निगेटिव आई तो उसको फिर से बच्चा वार्ड लाया जाएगा। हम आपको बता दें, यह बच्ची जिसका नाम देवांशी है, पिता राज बिहारी और माता दोनों ही शंका के घेरे में आ गए हैं। दोनों के सैंपल ले लिए गए हैं। हम आपको बता दें, यह परिवार गुजरात से आया था। अब इनसे जुड़े हुए लोगों की पहचान का काम भी प्रारंभ होने वाला है। माना जा रहा है रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। इस बच्ची को मंगलवार की शाम निमोनिया का शक होने पर अस्पताल लाया गया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वह इसी बच्ची के हैं। संजय गांधी अस्पताल के प्रशासन ने बड़े ही सूझबूझ से इस बच्ची को आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाया। इस बारे में हमने बच्ची का इलाज कर रहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बजाज से बात की। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर बजाज का इस बारे में क्या कुछ कहना है। एक साल का है, सुबह आया, सूरत से शिफ्ट हुआ, क्योंकि अपना प्रोटोकॉल ये है कि कोई बाहर से स्टेट से आता है या रेड जोन से आता है और अगर वो निमोनिया का पेशेंट है तो अपने को उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर भेजना है, इसलिए अपन इसको आइसोलेशन सेंटर कोविड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी टेस्ट चली गई है, टेस्ट की रिपोर्ट आज तक आ जाएगी, आज रात तक। अगर ये बच्चा कोविड नेगेटिव निकलता है तो वापस हमारे वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं चलता। अभी प्रारंभिक लक्षण में क्या दिख रहा है? प्राइमरी लक्षण में इसको सीवियर निमोनिया है और सीवियर निमोनिया ARDS बोलते हैं जिसको। ARDS के जितने पेशेंट आते हैं सबको अपने को आइसोलेशन में शिफ्ट करके टेस्ट भेजना है। तो इसको सीवियर निमोनिया था और करीब करीब ये गैस कर रहा था, गैस मतलब आपकी सांस ले रहा था। तो इसके इमीडिएटली हमने इंट्यूबेट किया, नली डाली, वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। अब इसको पीछे के रास्ते से मोर्चरी का रास्ता जो बना हुआ है जहाँ पर कोई पेशेंट के अटेंडेंट नहीं रहते हैं वहाँ से ऊपर आइसोलेशन में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद आगे की चीज़ डिसाइड होगी कि उसको वहीं रखना है या वापस वार्ड में शिफ्ट करना है। नेगेटिव आएगा तो वापस वार्ड में आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो उसका ट्रीटमेंट वहीं चलता रहेगा। इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे इसके मदर हैं, फादर हैं, उनका टेस्ट अब भेजा जाएगा। कुछ के चले गए हैं कॉन्टैक्ट के, कुछ के टेस्ट अभी जाएंगे, उनकी रिपोर्ट भी एक आध दिन में सबके मिल जाएगी और इसकी रिपोर्ट आज रात को या कल तक अपने को मिल जाएगी। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।